हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जेट अड्डा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर क्या होता है और इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। आईटीबीपी एफ का पूरा नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसका गठन भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए किया गया था। इसमें स्टार्टिंग में केवल 4 पलटन तैयार की गई थी जो कि छोटे दल के रूप में होती थी। इस समय इसकी लगभग 45 सेवा पलटन है और 4 विशेषीकृत पलटन के रूप में कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य है भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करना और रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करना और आपदा प्रबंधन करना, ये सब इसके काम है। इसमें आपको कई खतरनाक जगहों पर काम करना होगा, जैसे 9000 से 18700 फीट की ऊंचाई पर काम करना होगा। इसमें आपसे शून्य से भी नीचे तापमान पर काम करना होगा। इसमें आपको काराकोरम दर्रे पर काम करना होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिफूला तक विस्तृत है। इन सभी जगहों पर काम करना होगा। ये सभी जगह पथरीली ढालों से हैं, तो आपको यहाँ पर काम करना होगा। तो अब बात करते हैं इसके डिटेल जानकारी की। इसमें सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी टोटल 37 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से मेल की 32 वैकेंसी है, फीमेल की 5 वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी एज 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको पे मैट्रिक लेवल 6 दिया जाएगा, जिसका बेसिक पे 35,400 से 112,400 रुपए है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। और इसके साथ ही बता दें, अन अकेडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप 2023 या 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अन अकेडमी द्वारा बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट किया गया है, अल्टीमेट बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023। इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसी तरह 2024 के लिए 2 ईयर बैच स्टार्ट किया गया है, मिशन बैच। और जो लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक्सपीडिशन 1 ईयर बैच स्टार्ट किया गया है 2023 की तैयारी करने वालों के लिए, और 2024 की तैयारी करने वालों के लिए एक्सपीडिशन 2 ईयर बैच कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है 20 जनरल स्टडीज बुक का सेट मिलेगा अगर आप 1 साल या इससे अधिक का प्लान लेते हैं। और जो लोग 2 साल या इससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको सीएससी एश्योर दिया जाएगा, सिविल सर्विस एग्जाम एश्योर। इसमें आप जब तक अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्लान दिया जाएगा और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाएगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर 2 प्लान दिखाई देंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में क्या है कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस दी जाएंगी, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएंगी। लेकिन आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप दी जाएगी, मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको डेली स्पेशल कंटेंट दिया जाएगा और प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट आइकॉनिक पे क्लिक करें। उसके बाद आप टाइम सिलेक्ट करें, कितने टाइम के लिए आप प्लान लेना चाहते हैं। उसके बाद SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें और प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करने पर आपको जो है 17,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह आप अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।